मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने कॉलेज डेज को याद किया और कहा कि कॉलेज डेज बेस्ट डेज होते हैं। जाहिर सी बात है कि हर कोई जानना चाहता है कि बिग बी ने अपने कॉलेज के दिन कैसे बिताए। हर कोई जानता है कि बिग बी दिल्ली के किरोड़ी मल कॉलेज से पास आउट हैं। इस कॉलेज ने फिल्म इंडस्ट्री को कई फेमस फिल्म मेकर्स भी दिए हैं। केएमसी कॉलेज में एक एलुमनाई मीट के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी मिरांडा हाउस की मेमोरीज को शेयर किया। फ्रैंक ठाकुरदास के नीचे मैं पढ़ा नहीं क्योंकि मैं साइंस कर रहा था और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि मुझे प्लेयर्स ग्रुप में शामिल होना चाहिए और मैं शामिल हुआ। और उनकी सबसे बड़ी देन मेरे लिए तो ये थी कि उन्होंने मेरा एकमात्र कॉलेज से नाम भेजा मिरांडा हाउस के प्लेन में। मिरांडा हाउस जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, उसके बस स्टॉप के सामने से गुजर जाइए तो ऐसा लगता था दहिया छू लिया हमने। लेकिन यहाँ मुझे फ्रैंक ठाकुर जस जी ने अवसर दिया कि मैं उस कंपाउंड के अंदर प्रवेश हो सकूं। वो एक और ही करना है, कभी ध्यान किया जाएगा उसका। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई एक जगह पर मेरा भी नाम रेकमेंड किया। वहाँ जो USIS में एक अमेरिकन संस्था थी जहाँ पर प्लेस वगैरह होते थे, अब्राहम लिंकन के ऊपर वो प्ले कर रहे थे, उसमें मेरा नाम दिया। स्वयं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय अंग्रेजी का प्ले था जिसका नाम था विंटर सेट, उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए कहा। डिबेट्स वगैरह में वो प्रोत्साहित करते थे कि जाओ और कुछ बोलो, बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन ये सब बात की यादें हैं। कैंटीन की बात कर रहे थे आप, और शायद उम्र का तकाजा दे दिया आपने मुझे। कैंटीन मेरे ज़माने में वहाँ नहीं थी जहाँ आप कह रहे हैं। कैंटीन जी, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से अगर आप हॉस्टल की तरफ जाएं तो कॉरिडोर में बाईं तरफ कुछ क्लासेस थी, उसके बाद प्रोफेसर्स का रूम था, फिर एक गैलरी और थी, और दाहिने हाथ पे सीढ़ी नीचे जा कर के लोग अपना स्कूटर वोटर वहाँ पार्क करते थे। उसके सामने कैंटीन था और कैंटीन के ठीक पीछे गेट जो कि कमला नगर जाता था, जहाँ पर छोले भटूरे वगैरह हम लोग खाने जाया करते थे। 60s के बैच का पार्ट होते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि हर कोई 80s या 90s की बात करता है, कोई 50s की बात नहीं करता। सर हमारे बहुत जूनियर हैं, कोई 80s की बात कर रहा है, कोई 90s की बात कर रहा है, 50s 60s की कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं उस ज़माने का 1959 में मैं KM कॉलेज में गया था भर्ती होने, और 62 में पास आउट हुआ। तो जाहिर है कि जो हमारे साथी थे वो मिलते रहते हैं कभी कभी उस ज़माने के, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर भी कोई कमी महसूस नहीं हो रही।